हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू खत्री एजुकेयर। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिवीजन, यानी कि भाग। और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डिवीजन विद रीग्रुपिंग और डिवीजन बाय 10। सबसे पहले शुरू करते हैं डिवीजन को विद रीग्रुपिंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिवीजन को विदाउट रीग्रुपिंग सीखा था, आज हम सीखेंगे विद रीग्रुपिंग। ये क्या होता है, देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछा है, डिवीजन पूछा है कि आपको 436 को डिवाइड करना है 5 से। अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका डिविडेंड, ये है डिवीजन, आपको ये नंबर को यहां पे लिखना है डिविडेंड की जगह पे, ये है डिविजर, ये नंबर को यहां लिखना है। और अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए 4 को डिवाइड करना है 5 से। अब 4 है छोटा, 5 है बड़ा। जब हम कर रहे थे विदाउट रीग्रुपिंग, उसमें हमें कोई नंबर उस टाइम में छोटा नहीं मिला था। छोटा कब मिल रहा था, जब हमने किया था लास्ट में रिमाइंडर मिल रहा था। अब यहां पे ये जो नंबर है 4 है, ये छोटा है 5 से। अब हम क्या करेंगे, विद रीग्रुपिंग ग्रुप बनाएंगे। किसका ग्रुप बनाएंगे, 4 का और 3 का। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 4 का नेक्स्ट डिजिट 3 है। इन दोनों नंबर को अब साथ में लेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे 4 और 3। क्या बना नंबर, क्या मिला, 43। अब 43 को डिवाइड आराम से किया जा सकता है 5 से। कैसे होगा, 5 का टेबल 43 तक, 5 8 40 और 5 9 45। क्या करेंगे, ये तो बड़ा है नहीं लेंगे, क्या करेंगे यहां पे 5 8 जो यहां पे जितनी बार टाइम्स आता है वो यहां पे लिखते हैं, और ये हो गया 40। 43 में से 40 को माइनस किया, कितना बचा 3। अब ये 3 है छोटा है 5 से, क्या करेंगे, देखिए ये जो 4 छोटा है 5 से, और नेक्स्ट डिजिट के साथ जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 0 लगा देना है हमें, उसके बाद हमें करना है। बीच में भी आपको कोई ऐसा नंबर मिले जहां पे आपको नंबर छोटा मिले और जब ये रीग्रुपिंग करेंगे उसके बाद भी छोटा होगा तो हमें 0 लगाना है। अब ये 3 है, 3 के बाद हमने क्या किया, सिंपली यहां पे 6 को यहां पे लिखा। अब ये 6 नंबर जो है बड़ा है 5 से, क्या करेंगे, 5 7 35, 5 8 40। 40 बड़ा है नहीं लेंगे, 5 7 7 को यहां पे लिखना है, 5 7 35 माइनस किया, ये बचा 1, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया इसका क्वोशेंट। तो हमने क्या किया है विद रीग्रुपिंग, देखिए यहां पे 2 नंबर को लेके ग्रुपिंग की है। तो हमें पूछा क्या था, 436 डिवाइडेड बाय 5, इसका रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, क्वोशेंट आया 87 और रिमाइंडर आया 1। साथ ही आपको क्या पूछना है, पूछा है कि आपको इसको वेरीफाई भी करना है कि आपने जो डिवीजन किया है उस डिवीजन को आप वेरीफाई कीजिए कि ये जो रिजल्ट आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर मिला है ये सही है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, डिविडेंड हमें चेक करना है कि सही है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिविजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशेंट से, प्लस क्या करते हैं रिमाइंडर लिखते हैं। डिविजर कितना है 5 है, क्वोशेंट कितना है 87 है, रिमाइंडर कुछ आया है, हाँ आया है,
वन आया है। फाइव सेवन जा 35, थ्री आएगा कैरी में, फाइव एट जा 40, 40 और 3 43 प्लस वन रिमाइंडर वाला, 5 + 1 = 6, 3 and 4 क्या मिला 436। हमें पूछा क्या था, किस नंबर को डिवाइड करना था, 436 को ही डिवाइड करना था। तो ये हमारा डिवीजन एकदम करेक्ट है, ये हो गया डिवीजन विद ग्रुपिंग। यहाँ पे हमने दो नंबर का ग्रुप किया है। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन बाय 10, मींस आपको कोई नंबर है उसको डिवाइड करना है 10 से। इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। एक है डिवाइड करना है 64 को बाय 10, दूसरा एग्जांपल है आपके पास में 756, इसको डिवाइड करना है बाय 10 से। तो इसको करते हैं 64, ये डिविडेंड है और ये डिविजर है। क्या करेंगे, 10 का टेबल 64 तक 6 टाइम 7 लेंगे तो 70 हो जाएगा, ये क्या हो गया 60, 64 माइनस 60 करेंगे क्या मिला 4। तो 64 डिवाइडेड बाय 10 हमें क्या मिलता है, क्वोशेंट क्या मिला 6 और रिमाइंडर क्या मिला 4 मिला। वैसे यहां पे 756 756 नंबर है, ये डिविडेंड में 10 है इसका डिविजर। 10 का टेबल 75 तक 7 टाइम्स 8 लेंगे तो 80 हो जाएगा, 10 7 जा 70 माइनस क्या 75 माइनस 70 मिला 5। अब क्या करेंगे, 6 नंबर जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे, 10 5 जा 50 माइनस ये बचा 6, ये हो गया रिमाइंडर। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, क्वोशेंट मिला 75 और रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर क्या मिला आपको 6 मिला। सिंपली देखिए ये क्या था, एक सिंपल एक डिवीजन था, ठीक है। तो अभी डिवीजन बाय 10 का क्या मतलब हुआ, डिवीजन बाय 10 का मतलब ये हुआ कि व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय 10, 10 से 10 से कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा है, होता है द क्वोशेंट होता है वो क्या मिलेगा, इज ऑब्टेंड, क्वोशेंट मींस ये कैसे मिलता है हमें, सिंपली बाय रिमूविंग द डिजिट एट वंस प्लेस फ्रॉम द नंबर। क्या करना है, जो क्वोशेंट कैसे मिलेगा, जो ये वंस का प्लेस है वहां से आपको सिंपली डिजिट को रिमूव कर देना है और जो डिजिट रहेगी, द डिजिट एट वंस प्लेस वो क्या मिल हो जाएगी, डायरेक्ट ही रिमाइंडर। मींस क्या करना है, 64 है इसको 10 से डिवाइड करना है, ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो है वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है, आपको सिंपली ये जो वंस का डिजिट है इसको यहां से निकाल देना है, पीछे क्या बचा 6, ये 6 हो गया क्वेश्चन। देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है और जो वंस का प्लेस पे जो डिजिट है इसको हमने रिमूव किया है, ये डिजिट बन जाएगी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या मिला 4, ये देखिए 4, एकदम इजी है। आपको वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसको निकाल देना है, वंस के प्लेस वाला डिजिट रिमाइंडर बन जाएगा, अगर 0 है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा और बाकी जो भी नंबर बचेगा वो आपका क्वोशेंट हो जाएगा। देखिए यहां पे भी हम चेक करते हैं, 756 नंबर दे रखा है,
वंस का जो है प्लेस पे डिजिट 6, इसको हमने अलग कर दिया, तो क्या हो गया 75 मिला और एक 6 मिला। 75 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हुआ, कोशेंट हुआ। ये देखिए कोशेंट कितना है, 75 है, ये 75 है। रिमूव किसको किया है, डिजिट को, 6 को, ये है वंस के प्लेस की। ये क्या बनेगा, रिमाइंडर। आप यहां चेक कीजिए हमें क्या मिला है, ये रिमाइंडर मिला है। तो बाय डेफिनेशन डिवाइड करना है 10 से, बहुत ही इजी हो जाएगा। वंस का प्लेस है उसको अलग कर दो, वो रिमाइंडर बन गया, रिमेनिंग नंबर आपका कोशेंट बन गया। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दोनों टॉपिक आसानी से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।